सरसों की उपलब्धता घटने के बीच बीते सप्ताह देश के प्रमुख तेल तिलहन बाजारों में सरसों तेल तिलहन के अलावा बेपर्दा कारोबार से कच्चे पाम तेल के भाव में सुधार का रुख रहा, लेकिन आयात शुल्क मूल्य में कमी सहित सरकार के विभिन्न उपायों की वजह से बाकी तेल तिलहनों के भाव में गिरावट आई। बाजार सूत्रों ने कहा है कि सरकार द्वारा तेल तिलहनों के भाव की तेजी पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए, जिससे अधिकांश तेल तिलहनों के भाव थोड़े नरम पड़े हैं, लेकिन सरसों की उपलब्धता काफी कम रह गई है, जिससे इसमें सुधार आया है। सूत्रों ने कहा है कि सरसों की उपलब्धता निरंतर घट रही है। अगर मौसम साफ रहा तो उत्तर प्रदेश में अगले 15 से 20 दिनों में लहिया की फसल आ जाएगी, जिसे बड़े ब्रांड वाले नहीं खरीदते क्योंकि इसकी महक अच्छी नहीं होती है और इसमें 15-20% नमी भी होती है। उनका कहना है कि बेपर्दा कारोबार की वजह से कच्चे पाम तेल की कीमतों में भी सुधार रहा। सीपीओ का प्रसंस्करण कर उससे पामोलिन बनाने की लागत से आयातित पामोलिन तेल 5 रुपये किलो सस्ता बैठता है। भारत द्वारा आयात शुल्क मूल्य में कमी किए जाने की वजह से पामोलिन में गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन की मंडियों में आवक 2 लाख बोरी से कम रह गई है। प्लांट वालों को माल की कमी हो रही है और किसान नीचे भाव में बिक्री के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्लांट वालों को बेपर्दा कारोबार की वजह से सोयाबीन तेल निकालने पर 5-7 रुपये प्रति किलो का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से सोयाबीन तिलहन के भाव में समीक्षाधीन सप्ताहांत के दौरान गिरावट आई। विदेशी बाजार के मंदा होने के कारण सोयाबीन तेल के भाव में गिरावट देखने को मिली। इंदौर में सोयाबीन की उपलब्धता कम होने से संयंत्र अपनी 30-40% क्षमता का ही उपयोग कर पा रहे हैं। इस कारण पिछले सप्ताहांत के मुकाबले समीक्षाधीन सप्ताहांत में सोयाबीन तेल इंदौर के भाव में सुधार है। समीक्षाधीन सप्ताहांत में मूंगफली की मांग कमजोर होने से मूंगफली तेल तिलहन के भाव में नरमी रही और इसकी वजह से बिनौला तेल के भाव भी सप्ताहांत में गिरावट के साथ बंद हुए। उनका कहना है कि नैफेड और हाफेड जैसी सहकारी संस्थाओं को सरकार की तरफ से इस बार 20 लाख टन की जगह लगभग 30 लाख टन की खरीद करते हुए भविष्य की जरूरतों के लिए सरसों का स्टॉक बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इस बार पैदावार बंपर हो सकती है। बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 25 रुपये सुधर कर 8,020 से 8,050 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, जो पिछले सप्ताहांत 7,975 से 8,025 रुपये प्रति क्विंटल था। सरसों दादरी तेल का भाव पिछले सप्ताहांत के मुकाबले 100 रुपये सुधर कर समीक्षाधीन सप्ताहांत में 16,100 रुपये क्विंटल हो गया। वहीं सरसों पक्की घानी की कीमत 25 रुपये सुधर कर 2,415 से 2,540 रुपये प्रति टिन और कच्ची घानी तेल की कीमत 30 रुपये सुधर कर 2,595 से 2,710 रुपये प्रति टिन हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।